आयुर्वेद समाधान में आपका स्वागत है। आयुर्वेद समाधान को आप लोग अभी सब्सक्राइब कर लें और जिन लोगों ने नोटिफिकेशन अभी तक नहीं प्रेस किया है वो भी नोटिफिकेशन प्रेस कर लें, जिससे कि आपको वीडियो सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, स्वास्थ्यवर्धक और औषधीय गुणों के कारण भोजन में लहसुन का उपयोग किया जाता है। इसे खाने का स्वाद बढ़ जाता है और भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में व्यंजनों को एक अलग स्वाद देने के लिए तरह तरह से लहसुन का इस्तेमाल किया जाता है। लहसुन मूल रूप से मध्य एशिया से है, लेकिन इसका इतिहास काफी प्राचीन और विशाल है। संयुक्त राज्य कृषि विभाग के अनुसार खेती की जाने वाली सबसे पुरानी फसलों में लहसुन का नाम आता है। प्राचीन भारत में लहसुन का इस्तेमाल औषधीय और भूख बढ़ाने वाले फायदों के लिए किया जाता था। इतिहासकारों के अनुसार कई वर्षों पूर्व ग्रीस ओलंपिक खिलाड़ी अपना प्रदर्शन बेहतर करने के लिए लहसुन का सेवन किया करते थे। लहसुन को प्राकृतिक एंटीबायोटिक भी कहा जाता है। इसके अलावा दुनिया भर के सेहत विशेषज्ञों ने इसे प्लांट तिलिस्मान और रशियन पेनिसिलिन, यानी कि ये भी एक रोगनाशक औषधि है, उसका नाम दिया है। वास्तव में मिस्र के शिलालेखों में भी इसका उल्लेख किया गया है। प्राचीन मिस्र के पिरामिड का निर्माण करने वाले गुलामों के लिए लहसुन का इस्तेमाल सप्लीमेंट के रूप में किया जाता था। इसी बात से पता चलता है कि लहसुन सेहत के लिए कितना गुणकारी है। चलिए आज के वीडियो में हम आपको बताते हैं लहसुन के चौंकाने वाले फायदे और उसके प्रयोग करने के तरीके। सबसे पहले बात करेंगे कि ये एलर्जी में कैसे फायदेमंद होता है। दोस्तों, एलर्जी एक ऐसी समस्या है जो लोगों की जी का जंजाल बन जाती है, लेकिन एलोपैथ में आज तक इसका कोई इलाज नहीं बना है। लहसुन बंद नाक, छींके आना और आंख से पानी आने जैसे एलर्जी के लक्षणों से आराम दिलाने और उन्हें ठीक करने में मदद करता है। लहसुन एलर्जी वाली कोशिकाओं पर हमला करके और रक्त प्रवाह से पूरी तरह उन्हें हटाकर एलर्जी को ठीक करने में मदद करता है। लहसुन में उत्तम एंटीवायरल और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं, जो शरीर को विभिन्न प्रकार की एलर्जी से लड़ने में मदद करते हैं। लहसुन के प्रयोग ने एलर्जिक राइनाइटिस के कारण हुई वायु मार्ग के सूजन को कम करने में सकारात्मक प्रभाव दिखाए हैं। एलर्जी सीजन के दौरान होती है, चाहे एलर्जी दैनिक रूप से होती है, लहसुन खाने से ये पूरी तरह खत्म हो जाती है। त्वचा पर चकत्ते हों, कीट काटने या किसी प्रकार की एलर्जी हो और किसी भी तरह की खुजली है, तो पिसे हुए लहसुन के पेस्ट को प्रभावित क्षेत्र पर लगाएं, ये आपको तत्काल आराम देगा। और सुबह सुबह भूखे पेट अगर आप एक लहसुन की कली पानी के साथ गटक जाते हैं, तो ये हर तरह की एलर्जी में आपको फायदा पहुंचाएगा। अगर आप रात को सोते समय भी एक कली भून कर खाएंगे तो आपकी एलर्जी में बहुत फायदा मिलेगा। बात करते हैं दांत दर्द से राहत की। मुंह में पाए जाने वाले बैक्टीरिया की लगभग 500 से अधिक प्रजातियां होती हैं। इनमें से कुछ बैक्टीरिया स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं और कुछ नहीं होते। अपने मुंह को स्वस्थ रखने के लिए आपको इन अच्छे और बुरे बैक्टीरियाज को संतुलित रखना पड़ता है। लहसुन में पाए जाने वाला एलिसिन खराब बैक्टीरिया को रोकता है, जो मुंह में बढ़ने से दांत खराब होने का कारण बनते हैं। कई अध्ययनों ने ये निष्कर्ष निकाला है कि लहसुन के उपयोग से खराब बैक्टीरिया की आबादी को नियंत्रित करके और अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ने से मसूड़ों की बीमारी से लड़ने में मदद मिलती है। दांत दर्द को कम करने के लिए लहसुन बहुत ज्यादा प्रभावी होता है। इसका श्रेय इसमें निहित एंटीबैक्टीरियल और एनाल्जेसिक गुणों के कारण होता है। दांत दर्द से तत्काल राहत पाने के लिए आपको बस लहसुन का तेल या क्रश किए हुए लहसुन का एक टुकड़ा प्रभावित दांत पर और आसपास के मसूड़ों पर लगाना है। देखिए आपका दांत का दर्द कैसे गायब होता है। अगर आप अपनी पाचन क्रिया को बेहद दुरुस्त बनाना चाहते हैं, तो आप लहसुन का प्रयोग कीजिए। दरअसल लहसुन पाचन शक्ति को बढ़ाने के लिए पेट के कार्यों को नियंत्रित करता है। पाचन तंत्र के लिए सबसे फायदेमंद खाद्य पदार्थों में से एक लहसुन है। ये लिम्फ पर लाभकारी प्रभाव डालता है और साथ ही शरीर में मौजूद घातक पदार्थ को खत्म करने में सहायता करता है। ये पाचन रस के स्राव को बढ़ाता है। लहसुन की कलियों को कुचल कर लौंग, पानी या दूध में डाला जा सकता है और पाचन के सभी प्रकार के विकारों के लिए लिया जा सकता है। लहसुन आंत पर एक बहुत ही अच्छा प्रभाव पैदा करता है। ये कीड़े एक्सपेलर के रूप में उत्कृष्ट एजेंट माना जाता है। ये दस्त के विभिन्न रूपों पर भी एक सुखद प्रभाव डालता है, यानी कि दस्त को भी ठीक करता है। कोलाइटिस, डाइसेंट्री और अन्य दांतों के अपसेट्स जैसे समस्याओं का सफलतापूर्वक ताजा लहसुन या लहसुन कैप्सूल के साथ इलाज किया जा सकता है। एक लहसुन कैप्सूल दिन में 3 बार लिया जाता है, जो आमतौर पर दस्त या डाइसेंट्री के हल्के मामलों को ठीक करने के लिए पर्याप्त होता है।
लहसुन जिगर को भी शरीर से विषाक्त पदार्थों को छुटकारा दिलाने के लिए उत्तेजित करता है और साथ ही जिगर को नुकसान पहुंचाने से भी बचाता है। लेकिन इसका अर्थ बिल्कुल नहीं है कि आप लहसुन का सेवन अत्यधिक मात्रा में करें, क्योंकि ये पाचन तंत्र को परेशान भी कर सकता है। अगर आप भी अपनी पाचन क्रिया को दुरुस्त बनाना चाहते हैं, तो सुबह पानी के साथ एक कली लहसुन गटकना शुरू कर दें। अगला है, कैंसर को रोकने के लिए बहुत अच्छा होता है लहसुन। लहसुन में कैंसर विरोधी गुण पाए जाते हैं। विशेष रूप से ये कैंसर के ट्यूमर में खून को जाने से रोकता है। लहसुन पेट, गैस्ट्रिक और कोलन कैंसर में विशेष रूप से लाभदायक होता है। एक प्रकार के ट्यूमर के विकास को रोक लगाता है और कुछ ट्यूमर के आकार को कम करने में भी मदद करता है। लहसुन में एलिल सल्फर यौगिकों की उपस्थिति कैंसर कोशिकाओं को बढ़ने से रोक देती है। जिन लोगों के पारिवारिक इतिहास में कैंसर से कोई पीड़ित था, तो उन्हें कई प्रकार के कैंसर के खतरे को कम करने के लिए लहसुन का नियमित सेवन अवश्य करना चाहिए। कई रिपोर्ट बताती हैं कि लहसुन में पाए जाने वाले एलिसिन को संभावित एंटी कैंसर एजेंट बताया है, जो लहसुन को काटने या कुचलने पर उत्पादित होता है। ये संभव है कि एलिसिन एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है। ये रक्त में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में निश्चित रूप से प्रभावी है। एलिसिन विशेष रूप से बैक्टीरिया, वायरस और आंतों के अमीबा के संक्रमण को रोकने में एक मजबूत प्राकृतिक हथियार की तरह काम करता है। उन्हें निकाल कर ये कई अप्रत्यक्ष तरीकों से कैंसर के खिलाफ लड़ने में मदद करता है। अगला है, हृदय स्वास्थ्य में सुधार के लिए। लहसुन दिल के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। इससे रक्त परिसंचरण में सुधार लाने, कोलेस्ट्रॉल को कम करने और हृदय रोगों को रोकने में मदद मिलती है। ये एथेरोस्क्लेरोसिस के विकास या धमनियों के सख्त होने की गति को धीमा कर देता है। ये दिल के दौरे या स्ट्रोक के जोखिम को कम करने में सहायक होता है। लहसुन के हृदय संबंधी स्वास्थ्य लाभ उठाने के लिए आपको करना क्या है, रोजाना सुबह सुबह एक या दो क्रश किए हुए लहसुन का सेवन करें। इससे आपके हृदय के स्वास्थ्य में सुधार आएगा और हृदय के रोगों से संरक्षण प्राप्त होगा। आप अपने चिकित्सक से परामर्श के बाद इस जड़ी बूटी के पूरक आहार यानी सप्लीमेंट का सेवन कर सकते हैं। अगर आपका हाई बीपी रहता है, तो आज से ही लहसुन खाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि लहसुन उच्च रक्तचाप को कम करता है, विशेष रूप से सिस्टल रक्तचाप को। उच्च रक्तचाप से पीड़ित लोगों को रोजाना कुछ लहसुन की कलियों को खाली पेट खाना चाहिए। अगर आपको लहसुन का स्वाद पसंद नहीं है, तो इसे खाने के बाद आप एक गिलास दूध पी सकते हैं। आप लहसुन के सप्लीमेंट की खुराक भी ले सकते हैं, आपको मार्केट से आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। गठिया के दर्द को कैसे खत्म करता है लहसुन, जरा देख लीजिए। गठिया एक ऐसी बीमारी है दोस्तों, जो आपके जीवन को नरक बना देती है और किसी भी आयु के लोगों को आजकल ये होने लगी है। इस स्थिति को कोई भी एलोपैथ का डॉक्टर पलट नहीं सकता, लेकिन आयुर्वेद में आपके जीवन को सामान्य बनाने के लिए इससे लड़ने के तरीके खोज निकाले हैं। नियमित दवाइयों के साथ साथ उचित अभ्यास और उचित डाइट गठिया रोगियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लहसुन एक ऐसा हर्बल उत्पाद है जिस पर काफी शोध हुए हैं और कई स्वास्थ्य स्थितियों के लिए इसका उपयोग किया गया है। रूमेटाइड गठिया के इलाज में ये विशेष लाभकारी होता है। संधिशोथ यानी कि रूमेटाइड गठिया वाले रोगों के दर्द और अन्य लक्षणों को कम करने के लिए लहसुन एक परखा हुआ और प्रभावी उपाय है। इसमें निहित एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण गठिया के विभिन्न रूपों से जुड़ी सूजन को कम करने में मदद करते हैं। इसमें एक्टाइलिल डाइसफाइड नामक यौगिक भी शामिल होता है, जो हानिकारक एंजाइमों को सीमित करने में सहायता करता है। गठिया के कारण सूजन और जोड़ों के दर्द को कम करने के लिए अपने नियमित आहार में लहसुन शामिल करें, इसका सेवन खाली पेट करें। लहसुन को लेने के कई तरीके हैं। आपको ये सूखे पाउडर के रूप में और कैप्सूल या टेबलेट के रूप में भी मिल सकता है। आप इसका तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गठिया या अन्य दर्द के लिए उपाय के रूप में लहसुन को उपयोग करने से पहले आप अपने वैद्य की सलाह जरूर ले लें। दोस्तों, अगर प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप लहसुन का प्रयोग शुरू कीजिए। दरअसल प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कच्चे लहसुन के रस को घावों पर एंटीसेप्टिक के रूप में इस्तेमाल किया गया था और हजारों लोगों को बचाने में इससे मदद मिली। इसको इलाज के रूप में काफी समय से इस्तेमाल किया जा रहा है। कई सालों से सुझाव दिए जाते हैं कि लहसुन हृदय रोग, हाई कोलेस्ट्रॉल, सर्दी जुकाम और फ्लू सहित विभिन्न प्रकार की चिकित्सा समस्याओं में मदद कर सकता है। इसका कारण ये है कि लहसुन में एलिसिन होता है, जिसकी एक अलग गंध होती है
लहसुन विटामिन सी, विटामिन B6 और सेलेनियम और मैग्नीज जैसे खनिज का अच्छा स्रोत होता है। ये सभी विटामिन और खनिज प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाने में मदद करते हैं और खनिज के अवशोषण में भी सुधार लाते हैं। इसके अलावा लहसुन में एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबायोटिक गुण होते हैं जो शरीर की बीमारियों से लड़ने की क्षमता को मजबूत करते हैं। अब बात करते हैं अस्थमा और ब्रोंकाइटिस के इलाज में। लहसुन एंटीबायोटिक और एंटीवायरल लाभ प्रदान करता है जो लहसुन को सर्दी और खांसी के लिए एक अद्भुत उपचार बना देता है। इससे ऊपरी श्वसन संक्रमण की गंभीरता कम हो जाती है। इसके अलावा लहसुन अस्थमा और ब्रोंकाइटिस जैसे विभिन्न स्वास्थ्य स्थितियों के इलाज में अत्यधिक लाभकारी है। लहसुन खाने के अतिरिक्त आप लहसुन के सप्लीमेंट का भी नियमित आधार पर सेवन ऊपरी श्वसन संक्रमण को कम करने के लिए कर सकते हैं। दोस्तों, ये एंटी फंगल गुण के कारण कवक संक्रमण को रोकने में भी बहुत मददगार होता है। दरअसल लहसुन में शक्तिशाली एंटी फंगल गुण पाए जाते हैं जो फंगल संक्रमण से लड़ने में मदद करते हैं। फंगल इन्फेक्शन दाद का एक प्रमुख कारण बन सकता है। लहसुन कैंडिडा से लड़ने में भी मदद करता है। कवक संक्रमणों को मात देने के लिए आप क्या करेंगे? प्रभावित त्वचा क्षेत्रों पर लहसुन का जेल या तेल लगाएं। मुंह के छाले से पीड़ित होने पर मुंह के प्रभावित क्षेत्रों पर लहसुन का पेस्ट लगाएं। अपने आहार में ताजा कच्चे लहसुन को शामिल करें। अगर वजन कम करना चाहते हैं दोस्तों, तो उसके लिए भी किसी रामबाण से कम नहीं है लहसुन। आप सोच रहे होंगे कि क्या बात कर रहा है, लेकिन दोस्तों, औषधीय जड़ी बूटी प्रभावी रूप में सैटिएटी हार्मोन को नियंत्रित करती है जो आपके पेट को लंबे समय तक भरा रखता है। इसका मतलब है कि लहसुन खाने से आपकी भूख दबती है, जिससे आप स्वास्थ्य के लिए हानिकारक स्नैक्स के साथ साथ अत्यधिक खाने से भी बच सकते हैं। ये चीनी और फास्ट फूड की इच्छा को भी महत्वपूर्ण रूप से कम कर देता है। ये चयापचय को बढ़ाने में भी मदद करता है। लहसुन का नियमित सेवन आपके शरीर को नीरे पीने फ्राइन बनाने में मदद करता है, जो शरीर की चयापचय गतिविधि को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार न्यूरोट्रांसमीटर है, जिससे रोजाना खाने से शरीर में इकट्ठे फैट को तोड़ने वाली प्रक्रियाओं में मदद मिलती है। अगर आप लहसुन का उपयोग वजन कम करने के लिए कर रहे हैं, तो खाली पेट लेना सबसे अच्छा तरीका है। ये तरीका लहसुन से वजन कम करने का सबसे अच्छा घरेलू उपाय माना जाता है। खाली पेट लहसुन का सेवन आपके शरीर के चयापचय को तेजी से बढ़ाकर वजन कम करने में बहुत जल्दी असर दिखाता है। इसलिए आप सुबह खाली पेट 2 या 1 लहसुन की कली खाएं। इससे आपके अतिरिक्त वजन से छुटकारा मिलेगा और आपका रक्त संचार भी ठीक हो जाएगा। दोस्तों, कुल मिलाकर पूरे वीडियो का लब्बो लुबाब देखें तो कम से कम 50 बीमारियों में हमने आपको लाभदायक बताया है, लेकिन लेने का तरीका सेम है। सुबह भूखे पेट खाली पेट 1 लहसुन की कली लीजिए और उसको आप क्रश करके या हिस्सों में बांटकर आप गटक लीजिए। आपको बहुत फायदा मिलेगा। दोस्तों, आप सोते समय भी भूनकर लहसुन खा सकते हैं। आपको बहुत फायदा मिलेगा। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारे इस वीडियो को पहुंचाइए और आयुर्वेद समाधान के नुस्खे लोगों तक पहुंचाइए, जिससे उनको फायदा मिल सके। नमस्कार।